नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब आप ताकतवर लोगों से सवाल करते हैं ना, और जब आप सच की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपके रास्ते में जबरदस्त कठिनाइयां आती है। आपको याद हुआ, कुछ दिनों पहले मेरे फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया था और मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि साहब अभिसार शर्मा एक देशद्रोही है। तो लगातार 60 घंटों तक मेरा फोन बजता रहा, मुझे गालियां दी जाती रही। उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने फिर 4 लोगों को गिरफ्तार भी कराया। अब एक नया प्रचार आया है दोस्तों। प्रचार यह है दोस्तों, आपको याद होगा कल ही हमारा शो आया है, मोदी के हाथ से फिसलता उनका गढ़। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए थे, वहां पर 5 लोकसभा सीटों का हमने मुआयना किया था और हमने पाया था कि 2014 जैसे हालात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है। मैं गांव बेगराजपुर गया था जो कि मुजफ्फरनगर में है, और वहां पर मैंने एक बुजुर्ग से बात की और वो बुजुर्ग मुझे बता रहा था कि किस तरह से फैक्ट्री से जो निकलता जहर है वो उनके खाने में जाता है और जिंदगियां की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसी पर मैंने आज से कई सालों पहले जब मैं एबीपी न्यूज में था तब स्टोरी की थी। पहले तो आप देखिए ये पूरा क्लिप, आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके लिए हम क्या, इस बेबसी को समझना होगा, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मैं खुद आया था यहाँ पे रिपोर्ट करने, वो समस्या अभी भी मुंबई खड़ी है। क्या दद्दा, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? सरकार के कारनामे। हाँ, सरकार ने मिल मालिकों से मुकदमा करवा दिया। हाँ, अपने सचिव को भेज करके मिल मालिकों ने सरकार में हाई कोर्ट में मुकदमा करा दिया गन्ने के बारे में, मिल मालिकों से सहमति करके योगी सरकार ने, और उसके बाद सचिव को कह दिया कि मोदी जी ने बढ़ा दिया, मैं नहीं पैसे बढ़ाऊंगा। हाँ, और उसके बाद 1.5 महीना मिल लेट चला, इसी वजह से किसानों को बहुत बड़ी समस्या हुई हो। तो आप देखिए, यहाँ समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हुई हैं, समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कहीं एक तरफ जैसे कह सकते हैं गन्ना की समस्या है, कहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य की समस्या है। इंसान करे तो करे क्या। अब इस क्लिप का आंशिक हिस्सा इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अभिसार शर्मा जो है इस गरीब गांव वाले को रिश्वत दे रहा है। आपने उस वीडियो में देखा दोस्तों कि वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग थी, मगर मेरे खिलाफ बीजेपी के आईटी सेल ने झूठा प्रोपेगेंडा ये चलाया कि मैंने उसको रिश्वत दी है। और इनमें जो चलाने वाले लोगों में ये प्रमुख नाम है, ये है विकास पांडे चौकीदार। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हैं। ये वो शख्स हैं जो ट्विटर हेडक्वार्टर्स के बाहर आए थे कि हमें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, बेचारे भक्तों को, बेचारे आईटी सेल्स को, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। क्योंकि मैं जो आपके सामने लाता हूं दोस्तों, वो तथ्यों पर आधारित होता है, गांव वालों से बातचीत पर आधारित होता है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। ये बीजेपी का आईटी सेल नहीं है, ना सिर्फ ना इस सरकार के अच्छे दिन है कि आप कुछ भी कह लें, अनाप शनाप बोल दें और जनता को मूर्ख बना दें। इसके अलावा ये और शख्स हैं, चौकीदार शशांक सिंह, और फिर ये शख्स है जिसका नाम बीन यूमर है मगर इसका असली नाम है विनय शर्मा। ये तमाम लोग हैं जो मेरे खिलाफ झूठ प्रसारित कर रहे हैं। आप इन लोगों के ट्विटर हैंडल्स देख चुके हैं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसलिए करूंगा दोस्तों क्योंकि जब झूठ सामने हो तो उसे आप जाने नहीं दे सकते, उसे आपको चुनौती देनी पड़ेगी, और मैं इन्हें चुनौती दूंगा कानून के दायरों में। क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रमाण था तो वो तो तुम पेश नहीं कर पाए, उल्टा मैंने आपके सामने प्रमाण पेश कर दिया है। उसके लिए हम क्या, इस बेबसी को समझना होगा, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मैं खुद आया था यहां पे रिपोर्ट करने, वो समस्या अभी भी मुंबई खड़ी है। क्या दद्दा, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? सरकार के कारनामे। हाँ, सरकार ने मिल मालिकों से मुकदमा करवा दिया। हाँ, अपने सचिव को भेज करके मिल मालिकों ने सरकार में हाई कोर्ट में मुकदमा करा दिया गन्ने के बारे में, मिल मालिकों से सहमति करके योगी सरकार ने, और उसके बाद सचिव को कह दिया कि मोदी जी ने बढ़ा दिया, मैं नहीं पैसे बढ़ाऊंगा। हाँ, और उसके बाद 1.5 महीना मिल लेट चला, इसी वजह से किसानों को बहुत बड़ी समस्या हुई हो। तो आप देखिए, यहाँ समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हुई हैं, समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। कहीं एक तरफ जैसे कह सकते हैं गन्ना की समस्या है,
कहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं, इंसान करे तो करे क्या। मगर मैं जानता था दोस्तों कि जब आप कुछ ताकतवर लोगों से सवाल करते हैं तो उसका आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जनता की आवाज हूं, क्योंकि मैं लोगों के मुद्दे लाता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है। मुख्यधारा की मीडिया अपने चैनल्स में सिवाय झूठ के, सिवाय हिंदू मुस्लिम संवाद के कुछ और नहीं परोसती, सिवाय नफरत के। न्यूज क्लिक में हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों के मुद्दे आप तक पहुंचाते हैं, और वही मैं इस रिपोर्ट के जरिए भी कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरी ताकत आप लोग हैं, आप जो कि न्यूज क्लिक की दर्शक हैं, जो न्यूज क्लिक से जुड़े संवाद में बहुत ही सकारात्मक रूप से शामिल होते हैं। इनमें से कुछ बहुत ताकतवर लोग हैं, अगर कोई कमजोर होता, कोई भटका हुआ होता तो मैं उसे माफ कर देता, क्योंकि जिन 4 लोगों की गिरफ्तारियां मैंने 1 महीने पहले कराई थी उनमें से 2 लोगों को मैंने, 3 लोगों को माफ कर दिया था, मगर अब नहीं करने वाला हूं।